उत्तर प्रदेश की धरती के छपिया में जन्मे स्वामी नारायण, गुजरात की धरती में आकर के भगवान स्वामीनारायण बनकर के लोग पूज्य हो जाते हैं और गुजरात की घराने हर संकट के समय में देश को नेतृत्व दिया है। सामाजिक विकृति के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्नभिन्न करने का प्रयास जब मुगल आक्रांताओं के द्वारा किया गया था, अब स्वामी दयानंद सरस्वती आए, देश की आजादी की लड़ाई में लोगों के मन में जब ये भाव पैदा हो रहा था कि लगता है कि देश अब आजाद नहीं हो पाएगा, तब गुजरात की धरती में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव होता है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई देश की आजादी की लड़ाई भारत को 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र करता है। ब्रिटिशर भारत को कई टुकड़ों में बांटना चाहते थे, लेकिन गुजरात की माटी के ही सपूत लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत गणराज्य के एकीकरण करने में उन्होंने उस समय जिस दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता का परिचय दिया, भाइयों बहनों, वह तो केवल आप जूनागढ़ के नवाब और हैदराबाद के निजाम के 12 सरदार साहब के सामने जिस प्रकार से घुटने टेके गए थे उसी से समझ सकते हैं। ये दोनों पहले घुड़की दे रहे थे, ये कहते थे कि हम भारत गणराज्य में शामिल नहीं होंगे। सरदार साहब ने कहा था उस समय इन दोनों को, ये बातों से मानो के ठीक है, नहीं तो दूसरा रास्ता भी मुझे बनवाने का आता है। और भाइयों बहनों, जूनागढ़ और हैदराबाद दोनों रियासतें भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनी थी। आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने देश के अंदर शासन किया और कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार, कदाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार के साथ ही परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद के आधार पर देश को विभाजन करने, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने के कारण लगातार जब देश के अंदर संतोष और आक्रोश फैलता गया, तब गुजरात की धरती ने नरेंद्र भाई मोदी जी को देश को देकर के देश के जस्टिस प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने देश का कार्यभार संभाला। भाइयों बहनों, मोदी जी ने लगभग 12-13 वर्षों तक गुजरात का नेतृत्व किया। 2002 के बाद गुजरात में कोई दंगे नहीं हुए, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, नहीं तो गुजरात में दंगे और कर्फ्यू गुजरात की पहचान बनते जा रहे थे, विकास बाधित हो रहा था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, नौजवानों के सामने रोजगार का संकट खड़ा होता था, अन्नदाता किसान परेशान होता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2002 में कर्फ्यू को पूरी तरह रोकने के उपरांत दंगों को रोकने के बाद आज गुजरात का वह मॉडल देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद को समाप्त करने के रूप में भी देखा जा सकता है। और इसीलिए आज आपके बीच में कहने के लिए आया हूं कि गुजरात के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी देश को दिया। आज मोदी जी के कारण भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक मंच पर बढ़ रही है, दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं वैश्विक मंच पर भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आपने 1 दिसंबर को देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व दुनिया
दुनिया के उन 30 देशों को G20 के देशों की अध्यक्षता मोदी जी को सौंपी गई है जिनका दुनिया के स्वीकृति संसाधनों पर अधिकार है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़े गौरव की बात भारतवासी के लिए क्या हो सकती है। और इसीलिए आज मैं आपकी किताब से कहने के लिए आया हूं, एक तरफ वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ती हुई भारत की प्रतिष्ठा और दूसरी तरफ भाइयों बहनों दूसरी ओर सुरक्षित होती हुई सीमाएं, भारत के अंदर गरीब के साथ और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए किस प्रकार का कार्य होना है और गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाना, हर गरीब के पास उसके घर में जिसके शौचालय नहीं उसको शौचालय की सुविधा का लाभ देना, हर गरीब के घर में बिजली का लट्टू जलवा देना, हर गरीब को विद्युत के कनेक्शन फ्री में देने के साथ ही रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन देना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंतर्गत हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रदान करना, ये सभी कल्याणकारी योजनाएं जहां बिना भेदभाव के मिल रही है। कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और भाइयों बहनों हर गरीब को पूरे कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का कार्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाइयों बहनों लोक कल्याण का हो, सुरक्षा का हो, देश की समृद्धि का हो या वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का हो, चाहे इन सभी पे कार्य किया गया वही भारत की आस्था का भी सम्मान हुआ। आज आप सब जानते हैं गुजरात की भी बड़ी संख्या में कार सेवक आए थे अयोध्या में, आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। याद करिए कांग्रेस ने सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार का कार्य सरदार साहब कर रहे थे, अब कांग्रेस ने बाधा पैदा की, अब कांग्रेस बैरियर बनकर के सामने आई थी, सरदार साहब की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार का कार्य हुआ। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इस कार्यक्रम में आना चाहते थे कांग्रेस ने तब भी विरोध किया था। अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस थी, लेकिन भाइयों बहनों आज मैं कह सकता हूं अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के लिए जैसे प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ लिया, अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य मोदी जी ने प्रारंभ करवा दिया। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया, उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण हो गया है, उत्तराखंड के केदारपुरी में केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार हो गया है, तो बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ धाम का सुंदरीकरण का भव्य कार्यक्रम चल रहा है। भाइयों बहनों ये भारत की आस्था का सम्मान, गुजरात में एक और सोमनाथ मंदिर के सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है, द्वारिका धाम को भव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है, अंबाजी के धाम का पूरा भव्य स्वरूप प्रदान करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर है। भाइयों बहनों आस्था का ये सम्मान क्या कांग्रेस कर पाएगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाती, क्या कांग्रेस काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण करा पाती, क्या कांग्रेस कश्मीर से धारा 370 को हटा पाती, और क्या कांग्रेस के रहते हुए कोरोना जैसी महामारी को निंदित किया जा सकता था क्या। भाइयों बहनों कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी ये दोनों सुरक्षा के लिए भी और समृद्धि के लिए भी बैरियर है, बैरियर
इनको इससे उम्मीद मत दीजिए। और देखो उत्तर प्रदेश की जनता तो कितनी सूझबूझ से काम ली, अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में आप देखेंगे कि कांग्रेस को 25 करोड़ की आबादी है यूपी की, 403 विधानसभा है और कांग्रेस को मात्र मिले हैं 2 सीट। राम नाम सत्य है के लिए भी 4 वोट चाहिए होते हैं, कांग्रेस को 4 ही मिली। आम आदमी पार्टी 0, 1 सीट नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले ही समझ लिया था कि जो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करे, विकास में बाधक हो, नौजवानों के रोजगार में डकैती डालते हो, अन्नदाता किसानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हो, आखिर कांग्रेस ने इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्यों नहीं दिया, गरीबों को मकान क्यों नहीं दिए, गरीबों के घर में शौचालय क्यों नहीं बना दिए, गरीबों को आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य बीमा का कवर क्यों नहीं दिया। और अब तो डबल इंजन की सरकार ने घोषणा कर दी है कि जैसे ही डबल इंजन की सरकार फिर से गुजरात में बनेगी, आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की बीमा कवर को 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, ये काम मोदी जी और भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व की डबल इंजन सरकार ही कर पाएगी और इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हुआ था। एक और आस्था का सम्मान और सुरक्षा की गारंटी भाजपा है, दूसरी तरफ आस्था का अपमान और सुरक्षा में सेंध लगाने की गारंटी है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आज तो उत्तर प्रदेश में भी दंगे नहीं होते, शांत हो गया उत्तर प्रदेश, नहीं तो हर दूसरे दिन बड़े दंगे होते थे, हर दूसरे दिन बड़े दंगे होते थे। हम लोगों ने बंगालियों की फोटो भी चपस्पा कर दी, उनकी संपत्ति भी अपने अपने कब्जे में ले ली, और कहा सत्ता पड़ी तो पेशेवर बंगालियों ने जिन्होंने पिछले विपक्ष के शासन काल में अपूर्व संपत्ति अर्जित की थी, सरकारी भूमिगत कर्मण किया था, वहां पर हमने बुलडोजर चलाने में भी कोई विरोध नहीं किया। और इसके भाइयों बहनों, में आपसे अपील करने के लिए आया हूं, इस सुरक्षा की गारंटी केवल भाजपा हो सकती है। आप सभी भाजपा को समर्थन देंगे, संजय सिंह महिंद्रा को समर्थन करेंगे, सभी लोग सहमत हैं, आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि भाजपा की सरकार फिर से आनी चाहिए। स्वाद बोला भाजपा ने भक्त जीत आप सो, हाथ ऊंचा करी ने समर्थन आपको, ऐसा बोलेंगे कमल चुनाव चिन्ह पर 5 दिसंबर को संजय सिंह को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे ना, ऐसा बोलेंगे भारत